दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही कमाल के फ़ोन में। ना तो मैं शाओमी के बारे में बात करने वाला हूँ, ना ही लिनोवो, ना ही मोटोरोला के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे फ़ोन के बारे में जिसमें कि आपको बैटरी मिलती है 16,000 mAh। जी हाँ दोस्तों, 16,000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। पावर बैंक के लीजिए या ट्रांसफॉर्म के लीजिए या बैटरी के। सो फ्रेंड्स, आज हम इस फ़ोन के बारे में स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं नुक्कड़ टॉक्स। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है एनर्जाइजर, जिसने कि लॉन्च करा है पावर मिक्स P16K Pro। नाम ज़्यादा ही बड़ा है, बट इसमें जो बैटरी है वो 16,000 mAh की मिलती है, यानी कि आप 2 से 3 दिन फ़ोन लगातार चला सकते हैं। साथ ही में स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर मीडियाटेक का मिलता है, हेलियो P25। साथ ही में 6 GB आपको रैम मिलती है यहाँ पर, और स्टोरेज 128 GB का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 128 GB का। साथ ही मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 कैमरे मिलते हैं। रियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 16+13 का कैमरा मिलता है। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 13+5 MP का कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की, और ये फ़ोन 2 से लेकर 3 दिन तक आप लगातार यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो इंडिया में शाओमी के ज़्यादा फ़ोन चलते हैं क्योंकि इनका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, लेकिन अब देखना ये है कि ये फ़ोन कितने फ़ोन्स को पीछे छोड़ता है। साथ ही में दोस्त, इसकी इतनी ज़्यादा बैटरी होने के कारण इसका वज़न 350 ग्राम हो चुका है, जो कि आपको पावर बैंक की तरह लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कमाल का फ़ोन है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये बजट फ़ोन में लॉन्च होना चाहिए, यानी कि 10-15 हज़ार में। फ्रेंड्स, ये फ़ोन अगर बजट प्राइस में इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो हो सकता है शाओमी को पीछे कर दे ये फ़ोन। फ्रेंड्स, इस फ़ोन का आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप किसी दूसरे फ़ोन को भी इस फ़ोन से चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स इस वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें,